हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। एज यू ऑल नो दैट हमारे चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th से लेकर 12th तक की इंग्लिश को कवर करवा रहे हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो क्लास 10th लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम के क्वेश्चन आंसर्स का है ना। तो इसका पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो भी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में था। तो ए वाले क्वेश्चन से देखे थे हमने, नो क्वेश्चन देखे थे, और आज हम करने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चन के आंसर्स। तो आप सभी ने आई होप कि जो है लेसन को अच्छे से समझा है। तो लेसन है हमारा द न्यू प्लेयर इन द टीम, यानी टीम में नया खिलाड़ी। तो हमने इसके क्वेश्चंस देख लिए थे ए वाले, आज हम करने वाले हैं बी वाले क्वेश्चन, है ना। बी वाले क्वेश्चन के पहले ए वाला हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन 10, व्हाई डिड द गर्ल्स नॉट होप टू विन द कॉम्पिटिशन। जो लड़कियां थी बाकी की टीम की, जो खिलाड़ी थी, उन खिलाड़ियों को ऐसा क्यों लग रहा था कि इस वर्ष उन्हें जो है कंपटीशन जीतने की उम्मीद क्यों नहीं थी, है ना। तो आपने जो है लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है हिंदी में। तो पहले देख लेते हैं हम इसको कि जैसे ही कोच ने ममता का सिलेक्शन किया था इस बास्केटबॉल की टीम में, तो सभी ने कह दिया था कि इस साल तो हम जो है मैच हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि ममता को जो है टीम में इंक्लूड कर लिया था, ममता को टीम में शामिल कर लिया था, जिसके खिलाफ सारी लड़कियां थी, इसलिए वो ऐसा सोच रही थी कि इस वर्ष तो हम कंपटीशन हार ही जाएंगे। तो आंसर है इसका द गर्ल्स डिड नॉट होप टू विन द कॉम्पिटिशन बिकॉज, है ना। इतना तो हम क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं कि लड़कियों को इस वर्ष कॉम्पिटिशन जीतने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि ममता वाज इंक्लूडेड। इंक्लूडेड यानी शामिल करना, ममता को क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था इन द टीम, टीम में शामिल कर लिया गया था। दे थॉट दैट एज सी हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल अर्लियर सी वुड वीकन द टीम। और उन लड़कियों ने सोचा था कि ममता ने पहले कभी भी बास्केटबॉल का खेल नहीं खेला था, इसलिए सी वुड वीकन देयर टीम, वहाँ उनकी टीम को क्या करेगी, वीकन यानी कि कमजोर करेगी, है ना। तो लड़कियों को कंपटीशन जीतने की उम्मीद क्यों नहीं थी? क्योंकि कोच ने ममता को टीम में इंक्लूड कर लिया था, जिसके कारण लड़कियों ने सोचा कि ममता ने तो आज तक बास्केटबॉल खेली नहीं है, तो वो हमारी टीम को और कमजोर करेगी। ठीक है, आया समझ में? अब हम बी वाले क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। बी वाले क्वेश्चंस आंसर जो है थोड़े बड़े हैं। तो व्हाई डिड ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ममता थी उसको उसके क्लासमेट्स यानी टीम के दूसरे साथी उसके साथ इल ट्रीटेड यानी बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार क्यों करते थे, है ना। उसके साथ अच्छी तरह से पेश क्यों नहीं आते थे? तो ममता वाज इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स बिकॉज, इतना हम जो है क्वेश्चन में से लिख सकते हैं यहाँ से आंसर से है, बिकॉज सी वाज ए स्मॉल टाउन गर्ल, क्योंकि वह एक छोटे से गांव की लड़की थी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स केम फ्रॉम रिच फैमिलीज, और अधिकांश लड़कियां कहाँ से आई थी, अमीर परिवारों से आई थी या धनवान परिवारों से आई थी। सी वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड, वहाँ उनके स्टैंडर्ड्स के, स्टेटस और स्टैंडर्ड्स के मानक से बहुत ही नीचे स्तर की लड़की थी, यानी कि वहाँ उनके रुतबे से कम रुतबे वाली लड़की थी, इसलिए वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ एक गरीब परिवार से और एक छोटे से गांव से आई थी, और बाकी सभी लड़कियाँ रिच फैमिलीज से आई थी, इसलिए वो उसके साथ इल ट्रीटेड यानी बुरा व्यवहार करते थे। क्वेश्चन सेकेंड है, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोच ने ममता को कैसे सपोर्ट किया। तो आप सभी को पता है कि द कोच सैड दैट ममताज पासेस वेर गुड। कोच ने कहा कि ममता के जो पासेस है यानी कि जो बाल को पास करने का तरीका है वो उसका बहुत अच्छा है, एंड सी वॉज फिजिकली फिटर देन अदर प्लेयर ऑफ द बास्केटबॉल टीम, और वहाँ दूसरे जितने भी खिलाड़ी है बास्केटबॉल टीम के उन सभी से फिट है ना, शारीरिक रूप से मजबूत है। ही होप्ड दैट दिस ईयर दे माइट विन, और कोच को उम्मीद थी, कोच ने क्या उम्मीद की थी कि इस साल हो सकता है कि वे जीत जाएं, कौन, टीम के खिलाड़ी, बिकॉज ऑफ ममता, ममता के कारण जीत जाएं। इन दिस वे द कोच सपोर्टेड ममता, और इस तरीके से कोच ने ममता को सपोर्ट किया था, यानी कि कोच ने क्या कहा था उसके बारे में कि उसके पासेस बहुत अच्छे हैं, वो फिजिकली फिट है सभी लड़कियों से, और हो सकता है कि इस वर्ष सभी लड़कियां जो है ममता की वजह से ही जीत जाएं। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डिड ममताज टीम मैक हिस्ट्री। वेरी वेरी आई एम पी क्वेश्चन।
ममता की टीम ने हिस्ट्री कैसे बनाई, ममता की टीम ने इतिहास कैसे रचा, है ना, इतिहास कैसे रचा, क्योंकि आज तक जो है उनकी टीम कभी फाइनल तक नहीं पहुंची थी और इस बार फाइनल भी तक भी पहुंची और मैच भी जीता, तो इस प्रकार इतिहास रचा कि नहीं रचा उन्होंने। तो ममताज टीम मैड हिस्ट्री बाय रीचिंग टू द फाइनल्स, ममता की टीम ने इतिहास रचा कहाँ पहुंचकर, फाइनल से तक पहुंचे एंड विनिंग टू, और उसे जीता भी, विनिंग यानी जीतना, टू यानी भी, दे हैड बिन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन फॉर लॉन्ग, वे कॉम्पिटिशन में बहुत समय से पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे, बट हैड नेवर एवर मेड अप टू फाइनल्स आल्सो, लेकिन आज तक कभी फाइनल तक भी नहीं पहुंचे थे, यानी इस बार वो फाइनल तक पहुंचे और उसे जीता भी। यह जीत उन्होंने क्या किया है, यह जीत जो है उनके लिए एक इतिहास थी, यानी कि इतिहास रच डाला था उन्होंने, और वे इतने सालों से कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे लेकिन आज तक जो है उन्होंने फाइनल तक कभी सफर तय नहीं किया था, तो आज वो फाइनल में भी पहुंचे और उसे जीता भी सही, इस प्रकार से उन्होंने इतिहास रच दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 है, व्हाट मेड ममता ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर, ममता को किस चीज ने एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनाया। आंसर है डिटर्मिनेशन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प, एंड हार्ड वर्क यानी कि मेहनत, है ना, कठोर मेहनत मेड ममता एक गुड बास्केटबॉल प्लेयर, है ना, इन दोनों चीज़ों ने ममता को एक अच्छा बास्केटबॉल का खिलाड़ी बनाया था। सी एक्सेप्टेड चैलेंज एंड प्रैक्टिस्ड अगेन एंड अगेन, उसने चुनौतियों को स्वीकार किया और प्रैक्टिस की, एक बार नहीं की कई बार की, यानी अगेन एंड अगेन का अर्थ होता है बार बार अभ्यास किया। सी नेवर रेस्टेड टिल सी हैड प्रूवन देम रॉन्ग, और उसने तब तक रेस्ट नहीं किया जब तक कि उन लोगों को गलत साबित नहीं कर दिया जो लोग उसको बहुत ही कम आंकते थे। तो कोई किस चीज़ ने ममता को अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनाया, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क ने, इसके अलावा उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बार बार प्रैक्टिस की, है ना, और तब तक आराम नहीं किया जब तक कि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया, उन लोगों को गलत साबित नहीं कर दिया। क्वेश्चन 5 है, इफ यू हैड बीन ए कोच हाउ वुड यू हैव ट्रीटेड, यदि आप एक कोच होते हैं ना, तो आपके बारे में एक क्वेश्चन है कि यदि आप एक कोच होते तो आप किस प्रकार ट्रीट करते दूसरे खिलाड़ियों को, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि इफ आई हैड बीन ए कोच, यदि मैं कोच होता आई वुड हैव इनकरेज्ड ममता, तो मैं भी ममता को इनकरेज करता, उत्साहित करता। आई टू वुड आइडेंटिफाई द गुड क्वालिटी ऑफ ए प्लेयर, मैं भी खिलाड़ियों के अंदर से उनके गुणों को देखता विदाउट कंसिडरिंग द स्टेटस और पास्ट रिकॉर्ड, यानी कि उनके रुतबे या उनके पास्ट रिकॉर्ड को ना देखते हुए उनके अंदर इस समय क्या क्वालिटीज है उसको देखकर मैं उनको आइडेंटिफाई करता, यानी कि जो यदि मैं कोच होता तो मैं भी दूसरे खिलाड़ियों को इनकरेज करता और उनके ना तो पास्ट रिकॉर्ड देखता जाना और ना ही उनके स्टेटस देखता, मैं उनकी सिर्फ क्वालिटीज देखता। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द क्वालिटीज दैट हेल्प्ड ममता बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम, वेरी एम्पी क्वेश्चन, किस क्वालिटी या किन क्वालिटी किन गुणों के कारण ममता टीम के लिए अपरिहार्य यानी कि अत्यावश्यक बन चुकी थी, यानी उसके बिना टीम पूर्ण नहीं मानी जा सकती थी, किन क्वालिटियों के कारण, तो ममता डिटर्मिनेशन, है ना, पक्का इरादा, हार्ड वर्क एंड एक्सीलेंसी इन प्लेइंग बास्केटबॉल, क्या कौन कौन सी तीन चीज़ें थी, उसका पक्का इरादा, कठिन मेहनत और उसकी एक्सीलेंसी, किस बात में एक्सीलेंसी, किस बात में उत्कृष्टता, बास्केटबॉल खेलने में उसकी जो एक्सीलेंसी थी, हैड मेड हर इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम, इन चीज़ों ने उसको टीम के लिए आवश्यक बना दिया था। सी वाज ए ट्रू फाइटर, वह एक सच्ची योद्धा थी। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, इसमें लगभग 16 क्वेश्चन हैं और अधिकतर क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे के वीडियोस मिल सके। और इसी वीडियो में हमने जो है लिंक डाली है, पिछले जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे उसका वीडियो भी हम इसमें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिंक भी इसमें है, साथ में जो पिछले लेसन है उनके जो है लिंक भी इसमें डाल रहे हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है, इन सब चीज़ों को देखेंगे और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, है ना, तभी अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।